अरे तुम इस कदर ढीठ हो कि तुम्हें अपने किए पर निदामत ही नहीं। ठीक है, तुम पहले सोलह को रुखसत कर दो, फिर जो कहोगी मैं मानूंगा। नहीं भाई, नहीं नहीं भाई साहब, प्लीज सारे लिए क्या हो गया? बस कर दिया मां, लेकिन एक बात जहन में रखना, जिस आग को तुम मेरे दामन में लगाने आई थी माफी की आड़ में, उसी को तुम्हारे दामन की आग ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी सायरा नहीं। भाई साहब ये क्या किया आपने? आपने मेरी माफी मेरी सजा बना दी। नहीं बहन, नहीं, सजा की हकदार आप नहीं बल्कि ये सायरा। तो अपनी ताई का ख्याल रखो, इन्हें पानी पिलाओ। प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए, मैं आता हूं, आप बैठे। ताई ने प्लीज संभाले खुद, सोया तुम तैयार हो जाओ, हानिया तुम्हें लेने आई है। अम्मी ये सब क्यों कर रही हैं आप? हानिया सलीम की मौजूदगी में जानबूझ के हुमैरा को लेके आई है ताकि मुझे जलील कर सके। ये मेरी बेटियां हैं, तो जरा मौका मिलते ही ना माँ के कदमों तले कांटे बिछा देती है। हानिया आप ही आई है जी? सारा बस बस बहुत हो गया, अभी फिलहाल तुम सोलह को रुखसत करो, फिर तुम जो कहोगी वो मैं मानूंगा। मैंने जो कुछ अपना तुमसे वापस लिया दोबारा तुम्हें सौंप दूंगा। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथ में कागज थमाकर हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। अम्मी हुआ क्या है? जोए बेटा, प्लीज तुम दो मिनट के लिए बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी है। तुम जा सकती होगी मेरे साथ।